शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू की गई संबल योजना फिर से शुरू होने जा रही है। कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री रहते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने योजना में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं मौजूदा स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने कई सवाल खड़े किए हैं। कुणाल चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी विफलता का प्रतीक रही संबल योजना को फिर लॉन्च कर रहे हैं, उसी संदर्भ में उनसे कुछ सवाल है। कुणाल चौधरी ने कहा कि पूर्व श्रम मंत्री और वर्तमान भाजपा नेता ने संबल योजना में भारी अनियमितता के बावजूद शिवराज सिंह इसे पुनः चालू कर रहे हैं। संबल योजना को पुनः चालू करने से पहले शिवराज सिंह ये बताएं कि संबल योजना में जो अपात्र लोगों के नाम थे, क्या वे हटाए गए हैं? अगर हाँ तो कितने नाम हटाए हैं? आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी संबल योजना की रीलॉन्च करने जा रहे हैं। संबल योजना को रीलॉन्च करने से पहले हमारे कुछ सवाल हैं। जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार में एक श्रम मंत्री थे और जिन्होंने अब तक श्रम मंत्री का अपना सफर तय करा है, और उन्होंने कल एक चैनल को दिए गए अपने वक्तव्य में कहा है कि वो जो पहले उन्होंने बात कही थी कि इस संबल योजना में लाखों लोग अपात्र हैं जिन्होंने गरीबों के अधिकारों के ऊपर डाका डालने का काम किया है, और कल भी वो उस बात के ऊपर स्पष्ट कहा उन्होंने कि हमने इस बात को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी बता दिया है और उन्होंने कहा इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा सवाल नंबर एक शिवराज जी आपसे है कि क्या आपने उन लाखों लोगों ने जिनने गरीबों के नाम पर डाका डालने का इस संबल योजना के माध्यम से करा था, उनके नाम उसमें से हटा दिए रीलॉन्च करने से पहले? क्या आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी है जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने गरीबों के नाम पे आपकी पिछली सरकार के अंदर डाका डालने का काम किया, और यही श्रम मंत्री जो अभी है और जो श्रम मंत्री थे, इन्होंने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट अपनी बात कही थी, आज भी स्पष्ट रूप से अपनी बात कही है, आप अपना स्टैंड बताने का काम करें। और स्पष्ट रूप से हमारे और भी सवाल हैं, जो माननीय कमलनाथ जी ने एक योजना चालू करी थी जिसमें 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल गरीब से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोगों का आता था, क्या अब इन सभी को 200 रुपये भरना पड़ेगा या फिर जो सिर्फ संबल योजना में है सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा? 100 का डबल तो हो रहा है पर सबको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्पष्ट हमारे सवाल है, आप लॉन्च करने करिए पर उससे पहले इन सवालों का जवाब दीजिए कि गरीबों के नाम पे जैसे राटा अभी चोरी हो रहा है, इसी तरीके से डाका डालने का काम बंद करिए, और अपने शर्म मंत्री का जिन्होंने सरकार को बनाने के लिए जनता के जनादेश को बेचा है उनकी बात तो सुनने का काम करिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। स्पष्ट रूप से शिवराज जी ये जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।